Hello everyone, welcome to Prudent Classes. I hope all of you are doing good. So guys, आज से मैं start कर रहा हूँ MCOM second year के जो important topics हैं उनकी video. And अब से regularly आपको videos मिला करेंगी. And वो सारे students जो MCOM में अच्छे marks score करना चाहते हैं वो मेरे channel को subscribe कर लें. हमारा जो mission है वो है 70% और more in our upcoming exam. So आप सब जो भी videos upload हों उनको अच्छे से देखिएगा. Regular अगर आपको एक concept भी learn करना पड़े तो बहुत ईजी हो जाएगा पेपर के टाइम पे आपको सारा यू नो रिवाइज करने में. तो डेली बेसिस पर अब मैं ट्राई करूँगा कि आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ ताकि एग्ज़ाम में जाकर आप क्या कर सकें, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें. तो आज की जो ये वीडियो है ये है आपकी MCO 7 की, जो कि है हमारा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड जो ये टॉपिक है मैंने चूज़ किया यूनिट नंबर 1 से, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू. और इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डिटेल. सो आपको बेस्ट आंसर मिलेगा अलॉन्ग विद डायग्राम, जिससे कि आप इजीली पूरे कॉन्सेप्ट को याद कर सके आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ये मेरी गारंटी है कि वीडियो के एंड तक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. चाहे ये 5 मार्क्स में आए क्वेश्चन या 10 मार्क्स में, आप अच्छे से कर पाएंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो गाइज, फर्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस. ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले हमें फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि फाइनेंस होता क्या है. तो आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज फाइनेंस. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मैंशन किए हैं जिससे कि आपको जो बेसिक आइडिया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो पता चल जाए. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस के बारे में पता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अपने व्यूज, सो दैट आई कैन चेक इट लेटर ऑन. अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से याद रख लीजिएगा. एंड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उन पॉइंट्स को ज़रूर मेंशन कीजिएगा. बेसिकली ये क्या करेगा, आपके आंसर का इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा. ठीक है, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे जब भी हम अपने आंसर को लिखेंगे. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्रूशियल रोल रखता है. तो इसीलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में अपना फाइनेंस का टॉपिक इंक्लूड करेंगे. तो सबसे पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस एंड टच इज़ द लाइफ ऑफ एवरीवन. तो गाइज, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. और इट डजंट मैटर कि एक बिजनेस है या फिर एक इंडिविजुअल है, आप हैं या मैं हूँ, हर कोई कभी ना कभी फाइनेंस लेता है. ठीक है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट सबको पड़ती है. और बिजनेस के मामलों में अगर हम बोले तो फाइनेंस को लाइफ ब्लड बोला जाता है बिजनेस का. जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग हमें खाने की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, उसी तरीके से बिजनेस को सस्टेन रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो ध्यान रखिएगा फाइनेंस क्या है. फाइनेंस है लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस और ये हर किसी को कभी ना कभी क्या करता है, लाइफ में हेल्प ज़रूर करता है. तो फाइनेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की. सेकेंड पॉइंट इज़ बेसिकली मैंशनिंग द प्रोवर्ब्स दैट वी हैव related to finance. Money begets money and money makes the mayor go are the famous proverbs highlighting that finance actually matters to everybody. पुरानी कहावतें हैं दोस्तों कि पैसे से पैसा कमाया जाता है या पैसा कोई भी काम करा सकता है. तो ये बेसिकली शो करती है कि फाइनेंस जो होता है वो एक्चुअली हर किसी को मैटर करता है, हर किसी को क्या करता है, एक ना एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं यू नो अफेक्ट करता है. तो फाइनेंस की ध्यान रख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फाइनेंस है, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, हर किसी की लाइफ में क्रूशियल रोल प्ले करता है. आप ये जो प्रोवर्ब्स हैं इनको याद रख लीजिएगा, मनी बिगेट्स मनी एंड मनी मेक्स द मेयर गो. आप लोगों ने पहले भी कई बार ये सुनी होंगी प्रोवर्ब्स, सो मेक श्योर दैट वी आर कीपिंग दीज प्रोवर्ब्स इन आवर माइंड व्हेनेवर वी आर राइटिंग आवर आंसर फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, जब भी आपको अपना आंसर लिखना पड़े तो इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा. ठीक है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रक्स है हमारी वो है फाइनेंस जो है होता है वो क्या है, आपका हर किसी को अफेक्ट करता है, हर किसी को मैटर करता है. ओके, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की.
Point number three says, among all the resources available to business, finance is the most versatile resource. वर्सेटाइल का मतलब होता है अडेप्टेबल और मेनी साइडेड, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स रखती है, ठीक है, कई जगह पर यूटिलाइज हो जाती है. तो सो आप सब याद रखिएगा कि जो फाइनेंस है किसी भी बिजनेस के लिए एक सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल रिसोर्स के तौर पर कंसीडर किया जाता है. एक बिज़नेस के पास कई सारी रिसोर्सेज होती हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, लायबिलिटीज़ हो जो उसको पे करनी है, उन सब में जो फाइनेंस होता है उसका रोल सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल और यू कैन से सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है. विदाउट फाइनेंस यू कैन सिंपली से कि बिज़नेस सस्टेन नहीं कर सकता, ठीक है. तो जो पॉइंट नंबर वन में हमने पढ़ा था, फाइनेंस क्या होता है, किसी भी बिज़नेस का लाइफ ब्लड, और लाइफ ब्लड वो इसलिए होता है क्योंकि जो फाइनेंस होता है वो सबसे वर्सेटाइल रिसोर्स होता है किसी भी बिज़नेस का, ठीक है. तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, अमंग ऑल दी रिसोर्सेज अवेलेबल टू बिज़नेस, फाइनेंस इज़ दी मोस्ट वर्सेटाइल रिसोर्स. सो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड का पॉइंट नंबर वन डिस्कस करेंगे. इट सेज, सिंस द फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, देयरफॉर द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज हाईली क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. तो जैसा हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था, फाइनेंस एक बहुत ही वर्सेटाइल रिसोर्स होती है. तो किसी भी बिजनेस में अगर फाइनेंस को अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है तो ही वो बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है. तो इसीलिए आपको पॉइंट याद रखना है कि फाइनेंस किसी भी बिज़नेस में हो, अगर उसको अच्छे से मैनेज किया जाता है तो ही बिज़नेस सक्सेसफुल होगा. अगर फाइनेंस को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया जाता तो वो बिज़नेस अनसक्सेसफुल हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बहुत ही सिंपल है, जो फाइनेंस का मैनेजमेंट है वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी बिज़नेस की सक्सेस में. ओके, नाउ गाइज, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि आपको पॉइंट्स याद रखने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है. एक बहुत ही छोटा सा डायग्राम है. सो हमारा जो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, फाइनेंस क्या है, बेसिकली लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. याद रखिएगा, फाइनेंस क्या है, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी बिज़नेस की सक्सेस के लिए, ठीक है. तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, फाइनेंस क्या है, लाइफ ब्लड ऑफ बिज़नेस, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स किसी भी बिज़नेस की सक्सेस के लिए. एंड इस तरीके के डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाने हैं. आई एम अगेन स्टेटिंग, आप बनाइएगा जिससे आपका आंसर और अट्रैक्टिव लगेगा, स्पेस ज़्यादा आपकी यू नो यूज़ हो जाएगी, और आपका जो एग्ज़ामिनर है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देगा इन चीज़ों के लिए. नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर. एंड नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आई एम श्योर कि अभी तक आपको फाइनेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि फाइनेंस क्यों ज़रूरी है एंड क्यों फाइनेंस को मैनेज करना ज़रूरी है. नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स, 8 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछा जाता है तो किस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं. So now let's start the point number one. Point number one says financial management means management of finance or funds. बहुत ही simple सी definition है अगर आप लिखना चाहें तो. financial management का क्या मतलब होता है, अपने finance को या फिर funds को manage करना financial management कहलाता है. I repeat, financial management का मतलब है अपने finance को या फिर funds को manage करना. Okay, next point says financial management is made up of two words, finance and management. तो हमने जो ऊपर definition पढ़ी उसके according हम कह सकते हैं कि financial management दो word से बनकर बनता है. पहला है finance और दूसरा है management. finance के बारे में हमने जान लिया, आप जानते हैं management क्या होता है. तो management की यहाँ पर मैं basic definition दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको management का concept you know याद रहे. I'm sure कि आप सब ने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा होगा और बहुतों को याद भी होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, इट इज़ कंसर्न्ड विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. तो एक बिजनेस में कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना, ये काम होता है मैनेजमेंट का. तो याद रखिएगा, मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो दो टर्म से बनकर आपका यू नो
क्रिएट किया गया है. सबसे पहला आपका है फाइनेंस, दूसरा है मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन देख ली. मैनेजमेंट इज़ व्हाट? इट इज़ कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. नाउ अब देखते हैं कि फिनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी बाय एडिंग दीज टू टर्म्स. तो फिनेंस के बारे में जैसा मैंने आपको पहले बताया उसको भी याद रखिएगा, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड पर डायग्राम के थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन देख लेते हैं. सो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब क्या करता है? ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन दी बिजनेस. तो ये हमारी फाइनल डेफिनेशन आ गई. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ दी फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन दी बिजनेस. तो किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है किया जाता, वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है. तो ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ दी फाइनेंस और फंड्स इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और जिसमें आप क्या करते हो, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को प्लान करते हो, उनको ऑर्गेनाइज कराते हो, उनको डायरेक्ट कराते हो, उनको कंट्रोल कराते हो. ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो आपका कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, तो आई एम श्योर कि ये डेफिनेशन आपको याद हो चुकी होगी. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करने में आपको काफ़ी हेल्प हो जाए. और हो सके तो एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस वीडियो को फिनिश करने के बाद, टू चेक कि कितना आपको याद रहा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको अपना आंसर लिखना होगा. तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर. सो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड भी आपके स्क्रीन पर आ चुकी है. नेक्स्ट स्लाइड में भी एक छोटा सा डायग्राम हम डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे. ठीक है, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको आपका कुछ और नामों से भी जाना जाता है, तो उनको याद रख लीजिएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल फाइनेंस, और इसका एक और नाम है कॉरपोरेट फाइनेंस. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को चाहे आप मैनेजरियल फाइनेंस बोलें या फिर कॉरपोरेट फाइनेंस बोलें, दोनों एक ही चीज़ें हैं. ठीक है, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इक्वल टू मैनेजरियल फाइनेंस, एंड मैनेजरियल फाइनेंस इज इक्वल टू कॉरपोरेट फाइनेंस, एंड द कॉरपोरेट फाइनेंस इज इक्वल टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन योर आंसर. सो याद रख लीजिएगा इसको कि मैनेजरियल फाइनेंस भी बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, और कॉरपोरेट फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है. ओके, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर. सो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड इसका पॉइंट नंबर वन हम डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से देखिएगा. अ फर्म हैज़ टू टेक मेनी फाइनेंशियल डिसीजंस सच एज. तो जैसा हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि बेसिकली फंड्स या फिर फाइनेंस को मैनेज करने से डील करता है किसी भी बिजनेस या फर्म के, तो उसमें कई सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं. तो एक फर्म को कई सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं. अब कौन कौन से वो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं. तो सबसे पहला फाइनेंशियल डिसीजन जो किसी भी फर्म को लेना होता है वो ये है, फ्रॉम व्हाट सोर्सेज द फंड्स मस्ट बी रेज्ड एंड हाउ मच फ्रॉम ईच सोर्स, दैट इज़ व्हाट शुड बी द फाइनेंस मिक्स. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है फाइनेंशियल डिसीजन में किसी भी फर्म का, वो होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर उस बिजनेस का या फिर उस फर्म का फाइनेंस मिक्स क्या होगा. फाइनेंस मिक्स में बेसिकली हम पता करते हैं कि कितना फंड्स हमें रिक्वायर्ड होगा अपने बिजनेस के लिए, और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करके उस फंड को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे. तो आप चाहें शेयर्स के थ्रू ऑब्टेन करें फंड्स, या लोन लेकर करें, या फिर डिबेंचर्स इशू करके करें, या फिर कोई एसेट्स को सेल करके करें. तो किस तरीके से फंड्स को ऑब्टेन किया जाएगा या रेज किया जाएगा, दैट इज़ बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन. और कितना अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ये आपका फाइनेंस मिक्स का पार्ट होता है. ध्यान रखिएगा, फाइनेंस मिक्स में क्या होता है, कितना आपको फंड रेज करना है और कौन कौन से सोर्सेज से रेज करना है. तो दैट वाज द फर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन दैट अ फर्म हैज़ टू टेक. नाउ बात करेंगे सेकंड इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन की जो कि एक फर्म को लेना होता है, एंड वो है वेयर द फर्म शुड इन्वेस्ट
those funds and what should be the composition of the assets of the firm. तो दूसरा important जो question है वो है basically जो funds raise किए गए आपके अलग अलग sources के through उनको कहाँ पर invest किया जाएगा या किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और company के assets का क्या composition होगा कि कितना assets company अपने साथ maintain करके रखेगी जिससे कि आपकी क्या हो solvency maintain की जा सके organization की. Now बात करेंगे next question जो हमारा होता है financial decision में वो है आपका how should the firm analyze, plan and control its affairs. तो जो finance से related आपके controlling, analysis और planning होगी उसको किस तरीके से किया जाएगा वो भी आपकी financial decision का part है. तो ध्यान रखिएगा financial decision में एक firm को आपका decide करना होता है कि किस तरीके से firm के जो आपकी business activities है उनको analyze किया जाएगा, उनको plan किया जाएगा और उनको कंट्रोल किया जाएगा. नाउ चौथा और आखिरी जो हमारा फिनेंशियल डिसीजन में क्वेश्चन रेज किया जाता है या डिसाइड किया जाता है फर्म के थ्रू वो ये है हाउ लार्ज शुड अ फर्म बी सो दैट इट कैन ग्रो फास्ट. एक फर्म को कितना बड़ा आपको रखना है, आपको स्मॉल स्केल पर काम करना है, मीडियम इंडस्ट्री के तौर पर काम करना है या फिर एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री के तौर पर काम करना है जिससे कि आपकी ग्रोथ क्या हो, डिज़ायर्ड ग्रोथ आपकी अचीव की जा सके. तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है क्योंकि जितनी बड़ी आपकी फर्म होगी उतनी ही आपकी पैसों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एंड पैसे कहाँ से आते हैं वो आपकी फिनेंस के थ्रू ही आते हैं, फाइनेंस किया जाता है. तो उस टाइम पर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये चारों क्वेश्चंस याद रखिएगा, आंसर का पार्ट बनेंगे आपके. ऐसा नहीं है कि नॉलेज के लिए आपको दिया है, सीखना भी है और आंसर में लिखना भी है. नाउ बात करेंगे क्यों हमने ये पॉइंट्स डिस्कस करे फर्दर. Now the point number one in the slide says these financial decisions are important for the business firm as growth and development of a firm depends upon its financial position. तो जितने भी हमने ये questions discuss करे financial decisions से related ये किसी भी business firm के लिए बहुत बहुत important होते हैं क्योंकि किसी भी firm की growth या development उसकी financial position पर depend करती है. जितनी strong आपकी financial position होगी उतनी ही जल्दी आपकी काम क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, खुद को डेवलप कर सकती है. तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फिनेंशियल डिसीजंस हैं उनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत केयरफुली एनालाइज करना चाहिए क्योंकि एक फर्म की फिनेंशियल पोजीशन ही उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को क्या करती है, डिसाइड करती है. तो उस फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए फिनेंशियल डिसीजंस स्ट्रांगली लेने पड़ेंगे आपकी फर्म को और फिनेंशियल डिसीजंस लेने का काम किसका होता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट का. नाउ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की एंड इट सेज एनी रॉन्ग डिसीजन में अफेक्ट दी सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी क्या होती है, एबिलिटी टू पे वंस डेब्ट. आप जब उधार लेते हैं तो आप उधार पे कर पाते हैं कि नहीं वो आपकी कहलाती है सॉल्वेंसी. अगर आप कर पाते हैं तो आप सॉल्वेंट हैं, नहीं कर पाते तो आप इनसॉल्वेंट हो जाते हैं और इन अदर टर्म्स यू कैन से बैंकक्रप्ट हो जाते हैं ऑफ द फर्म. सो एनी रॉन्ग डिसीजन में अफेक्ट द सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म. तो जब भी आपके फिनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं किसी भी फर्म के थ्रू तो ये इंश्योर किया जाता है कि डिसीजन सही लिया जाए क्योंकि एक गलत डिसीजन आपकी फर्म की सॉल्वेंसी को क्या करती है, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट करती है. इट कैन मेक यू बैंकरप्ट इवन इफ़ यू आर नॉट टेकिंग राइट फिनेंशियल डिसीजंस. तो ध्यान रखिएगा कि सही डिसीजन तो सक्सेस, गलत डिसीजन तो आपका फेलियर. तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी आपका यहाँ पर ऐड किया है, आप देख लीजिए एक बार. तो फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं अगर राइट डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो आपकी फर्म की सक्सेस को इंश्योर करते हैं. सो राइट डिसीजंस इज इक्वल टू सक्सेस ऑफ द फर्म. और अगर गलत डिसीजंस लिए जाते हैं यानी कि रॉन्ग डिसीजंस लिए जाते हैं तो इट कैन लीड टू द फेलियर ऑफ द फर्म. सो रॉन्ग डिसीजंस इज इक्वल टू फेलियर ऑफ द फर्म एंड राइट फाइनेंशियल डिसीजंस लीड टू सक्सेस ऑफ द फर्म. ओके, आई एम श्योर कि ये डायग्राम आपको अच्छा लगा होगा. डायग्राम अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो आप भी थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए मुझे. सो नाउ बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट स्लाइड पर. सो गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर भी हम डायग्राम के थ्रू कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सिंपल टर्म्स मीन्स मोबिलाइजिंग द मनी एंड इन्वेस्टिंग दैट मनी टू क्रिएट मोर वेल्थ. ठीक है,
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी, अब एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर ऐड करी है जो कि आपको इजीली याद भी हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी यू नो प्रोवाइड कराएगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि आपका जो मनी है, ठीक है, आपके जो फर्म की मनी है उसको मोबिलाइज करना और उस मनी को इन्वेस्ट करना सही जगह पर, ताकि आप क्या कर सको और पैसा कमा सको। तो आप जब भी बैंक में डिपॉज़िट करते हैं तो आप क्यों बैंक में अपना अमाउंट एफडी में डिपॉज़िट कराते हैं? ताकि आप उस अमाउंट को बढ़ा सके। तो वही काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है कि जो फर्म के रिसोर्सेज हैं, जो मनी है, उसको इस तरीके से मोबिलाइज किया जाए और इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की जा सके कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए या फिर फर्म के लिए। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सिंपल टर्म्स मीन मोबिलाइजिंग द मनी एंड इन्वेस्टिंग दैट मनी ऑफ द फर्म टू क्रिएट मोर वेल्थ। ठीक है, मोबिलाइजिंग द मनी एंड इन्वेस्टिंग दैट मनी ऑफ द फर्म टू क्रिएट मोर वेल्थ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो आई एम श्योर कि ये डेफिनेशन भी आपको याद हो चुकी होगी, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड आप कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपसे 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये डेफिनेशंस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और ऐड कीजिएगा अपने आंसर में, सो दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स। अकॉर्डिंग टू एज्रा सोलोमन, जो एज्रा सोलोमन थे, उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। एज्रा सोलोमन, इनका देखिए पिक आ चुका है स्क्रीन पर, ये हैं एज्रा सोलोमन जिन्होंने आपकी फिनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है। एंड क्या डेफिनेशन थी विल डिस्कस, एंड द डेफिनेशन इज फिनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स नेमली कैपिटल फंड्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन द यूज एंड एक्विजिशन ऑफ फंड्स। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बेसिकली कंसर्न्ड है या फिर रिलेटेड है विद द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड्स। जो कैपिटल फंड्स होता है किसी भी बिजनेस का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, उसके सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन से रिलेटेड होता है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये बेसिकली क्या होती है, स्टडी होती है उन प्रॉब्लम्स की जो कि एक फर्म को फेस करनी होती है विद द यूटिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ फंड। तो जब भी आपका जो कैपिटल फंड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आप एक्वायर करना चाहते हैं या एक्वायर करते हैं या फिर यूज करते हैं, तो उस टाइम पर जो भी प्रॉब्लम्स आपकी फेस की जाती हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को स्टडी करने का काम किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एंड ये डेफिनेशन किसने दी है आपको, एज्रा सोलोमन। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, एज्रा सोलोमन के थ्रू डेफिनेशन प्रोवाइडेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। एंड व्हाट इज दैट डेफिनेशन, इट सेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स नेमली द कैपिटल फंड्स। इट इज द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन द यूज एंड एक्विजिशन ऑफ फंड्स। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, एक्सप्लेन मैंने कर दी है आपको, एंड एक बार लिख कर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की, एंड दिस डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय एच गुथमैन एंड एच डगल। ठीक है, नाम याद रख लीजिए, एच गुथमैन एंड एच डगल, दोनों का नाम एच से स्टार्ट है, इनकी पिक्स नहीं मिली, आई एम सो सॉरी, आई ट्राई टू फाइंड बट दोनों ही गुमनाम व्यक्ति हैं, आई कुड नॉट लोकेट द पिक, सो आई एम सो सॉरी वंस अगेन, बट डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एच गुथमैन एंड एच डगल, इन दोनों के थ्रू भी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। एंड वॉट इज दैट डेफिनेशन, इट इज़ ऑन द स्क्रीन, यू कैन रीड इट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, ये उन एक्टिविटी से रिलेट करता है, उन एक्टिविटी से डील करता है जो कि आपकी किसी भी बिजनेस के फंड्स को प्लान करने, रेस करने, कंट्रोल करने, एडमिनिस्टर करने से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एच गुथमैन एंड एच डगल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि आपके किसी भी बिजनेस के फंड को प्लान करने, रेस करने, कंट्रोल करने, एडमिनिस्टर करने से रिलेटेड होती हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एच गुथमैन एंड एच डगल, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। ओके,
तो यहाँ पर ये डेफिनेशन भी डिस्कस हो गई, अगेन याद करनी पड़ेगी, कोई चेंज नहीं कर सकता इसमें क्योंकि ये डेफिनेशन किसी और के थ्रू प्रोवाइडेड है। ओके तो आप एक बार लिख कर इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर दो डेफिनेशंस हो गई, काफ़ी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, डायग्राम्स डिस्कस कर लिए, तो 10 मार्क्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो गए। आप दो पॉइंट्स या तीन पॉइंट्स हमारे फर्दर और डिस्कस करेंगे एंड विल फिनिश दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इसका पॉइंट नंबर 1 सेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मैनेजरियल डिसीजन दैट रिजल्ट इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। तो इन शॉर्ट अब हम क्या बोल सकते हैं इतना पढ़ने के बाद कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली उन मैनेजरियल डिसीजन से रिलेट करता है, उन मैनेजरियल डिसीजन से डील करता है जो कि आपके फंड्स को प्रोक्योर करने और उनके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने से यू नो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न करता है, उन मैनेजरियल डिसीजन से जो कि आपके प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, जो कि आपका बिजनेस का फंड होता है उसको प्रोक्योर करने और उसके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो सारी आपकी मैनेजरियल डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। नाउ गाइस, यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं, अब एक डायग्राम और हम छोटा सा देख लेते हैं जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड। सो लेट्स डिस्कस फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। हमारा एक मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ये बेसिकली किन किन चीज़ों से रिलेटेड आपके डिसीजन मेकिंग ली जाती है, एसेट मिक्स, कैपिटल मिक्स एंड प्रॉफिट एलोकेशन, कि किस तरीके से आपके प्रॉफिट को एलोकेट किया जाएगा बिजनेस में, आपका एसेट का मिक्स क्या होगा यानी कि एसेट और लायबिलिटीज़ का क्या रेशियो होगा, और कैपिटल मिक्स क्या होगा। आपका कैपिटल मिक्स का मतलब है बेसिकली आपका कि आप शेयर के थ्रू फिनेंस रेज करेंगे या फिर आप डेब्ट या फिर लोन के थ्रू करेंगे, तो कैपिटल मिक्स क्या होगा, एसेट मिक्स क्या होगा, प्रॉफिट आपका एलोकेशन क्या होगा। तो ये सारे मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग्स जो होते हैं वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। तो फाइनली आप कंक्लूड करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसमें हम डिसाइड करते हैं एसेट मिक्स, कैपिटल मिक्स एंड प्रॉफिट एलोकेशन। ओके गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपको हेल्पफुल रहे तो लाइक करना मत भूलेगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्ज़ाम्स। बाय।